लाइनों तारीफ हो गया शॉर्टकट, समझ गया बस। समझदार लड़कियां भाई, तालियां। और कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट कोई शॉर्टकट जो आप अपनाते हो, बड़ा यूनिक सा है। हाँ जी, आगे आइए। पैसे के लिए, पैसे के लिए शॉर्टकट ये काम। और कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट कोई शॉर्टकट जो आप अपनाते हो, बड़ा यूनिक सा है। हाँ जी, आगे आइए। पैसे के लिए शॉर्टकट ये काम की सूचना है भाई, ध्यान दीजिएगा। पॉकेट मनी घर से फिक्स आती है, खर्चा चलता नहीं है तो शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। कैसे शॉर्टकट होते हैं? काम के शॉर्टकट है भाई, काम के। जैसे मैंने लास्ट 4 ईयर पहले गोल्ड खरीदा था, वो सिल्वर खरीदी थी, जब 20,000 थी, 70,000 थी, तो बेच दिया। बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा। यस मैम। ओके, लेकिन सिल्वर वाला इन्वेस्टमेंट अच्छा था, अग्री या नॉट? ये सेंसिबल था, है कि नहीं? ये काम की चीज थी। और कोई काम का शॉर्टकट? सबसे ज्यादा शॉर्टकट तो स्टूडेंट्स तब अपनाते हैं जब उन्हें स्टेज पे चढ़ने का सडनली बोल दिया जाता है। यस, एंड मैं ऐसा शॉर्टकट तो नहीं लेती, बट हाँ ये लेती हूँ, पूरे साल कभी नोट्स नहीं बनाती। एंड में जब एग्जाम टाइम आता है, किसी ऐसी फ्रेंड का कॉपी लेती हूँ जिसने सारे नोट्स बनाए होते हैं, और फोटो कॉपी करवा के आराम से पढ़ के। अच्छा, एक बात बताओ, वो वाली जो फ्रेंड होती है जिसे साल भर तुमने इग्नोर मारा होता है, अभी नोट चाहिए, कैसे प्यार मोहब्बत बढ़ा लेती हो? अरे वो तो हम एक बार बोलने अपने आप ही बन जाते हैं। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? हाँ, साल भर तो शक्ल नहीं दिखाई, अब नोट चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ। अच्छा, ये बात मतलब कि साल की शुरुआत में टारगेट कर लो, ये नोट वाली बढ़ा। Yes, ये करते हो ना? हाँ। टारगेट करके नोट्स वाली बंदी से बना के रखते हैं, ये मैनेजमेंट है भाई। क्लैप। वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। एक्चुअली मैं तो ना नोट्स फोटो कॉपी भी नहीं कराती, मैं अपने मोबाइल में फोटो खींच लेती हूँ। और मेरे पैसे भी सेव होते हैं, तो ये और भी ज्यादा शॉर्टकट है। ये लिखने में भी शॉर्ट लिखते हैं, जैसे यो लिखना है तो यू ही लिखेगी, यू आर लिख देगी, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिख रहे हैं। ओके, आप लोग कंफ्यूज हो ठीक हो, लेकिन टीचर्स का क्या होता है? एग्जाम में तो मैं ठीक से लिखती हूँ, वो बस कॉपी के लिए होता है। ये कोड हो गया आजकल शॉर्टकट, मेरी लिखी चीज तू पढ़ ही नहीं पाएगी, ले जा मेरी फोटो कॉपी। और कोई शॉर्टकट जो प्रैक्टिकल हो? वो तो मैम हमारी सारी जिंदगी अभी तक वो शॉर्टकट में ही निकलती है सारे दिन। ये देखते रहते हैं कि इधर से क्या करें यार, शॉर्टकट ये क्या करें, कि इधर से भी ये मिल जाएगी यार, इधर से ऐसे हो जाएगा, ये छोटे से बन के तो उधर से ही करते हैं हम। ये है आपके कॉलेज के शॉर्टकट गुरु। एक्चुअली मैम बात ऐसी है, शेखावाटी वालों को पता है कि शॉर्टकट कैसे यूज किया जाता है, शेखावाटी वालों की जिंदगी शॉर्टकट में निकलती है। मेरे तो लाइफ ही शॉर्टकट है, स्कूल में शॉर्टकट, जब आते और इंटरवल में जब जाने का मन होता बंक मार लेते पीछे खिड़की से। अच्छा। ये शॉर्टकट। उसके बाद जब मेरे को कुछ बाहर कहीं जाना हो, जल्दी जाना हो, तो रास्ते में शॉर्टकट, और कोई मिल जाए कि इससे अपनी लड़ाई हो चुकी उस टाइम शॉर्टकट। ये तो शॉर्टकट ही शॉर्टकट है मेरे तो। पढ़ाई में शॉर्टकट, पढ़ाई में बस इतना ही पढ़ना अपने को, इस चीज से पास होना, ये शॉर्टकट। परसेंटेज ये लेके आनी है, ये शॉर्टकट। कितना पढ़ के टीचर को परेशान करना है, वो शॉर्टकट। मैम एक बार शॉर्टकट लिया था मैंने, स्कूल में था मैं, तो एक बार पेपर चुराया था मैंने। आई, ये दबे हुए राज सामने आ रहे हैं। रियली पकड़े गए थे? नो मैम, नहीं पकड़े गए थे। अब पकड़े गए बेटे टीवी पे? अभी तो मैं बता रहा हूँ ना, प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रायश्चित कर रहा हूँ, सॉरी बोल दो, चलो कोई बात नहीं। सॉरी मैम। भाई शॉर्टकट पे लॉन्ग लॉन्ग चर्चाएं तो चलती रहेंगी, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए यूथ। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार, सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अखबार। प्रायोजक हैं जील रेनवेयर, बी मॉनसून रेडी। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है।
कीजिए चेहरे को फ्रूट वॉश विद जॉय स्किन फ्रूट्स। इसके नेचुरल फ्रूट एचएस डीप क्लीन करे कोमलता से और आपको दे हेल्दी सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन। सिर्फ फेस वॉश नहीं, ये है फ्रूट वॉश। पापा जी, चार रोटी, दो कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है। नहीं बस रोटी के कोल्ड ड्रिंक में डुबो डुबो के खाएंगे। दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाला उन्हें पेट पर टापा पाप दिलवाएगा। असली मसाले सच सच MDH। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश मस्ती और धमाल, यूथ अड्डा, सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। वेलकम बैक टू यूथ अड्डा। भाई, शॉर्टकट के बारे में बात चल रही है, मुद्दा छिड़ चुका है, तो अब मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे शॉर्टकट काम नहीं करता। एजुकेशन में, एजुकेशन में हम शॉर्टकट लेके सक्सेस नहीं पा सकते। वी नीड टू बी अ, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए हमें ऑब्वियसली लॉन्ग कट जरूरी है। लॉन्ग कट जरूरी है, सक्सेस का नो शॉर्टकट। अनदर थिंग, अगर कोई बीमार हो जाए तो वो कैसे शॉर्टकट यूज करेगा? मतलब वो दवाई तो कम ले नहीं सकता, उसको पूरा ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट का नो शॉर्टकट, फेयर इनफ। हाँ जी, शॉर्टकट हमेशा भारी पड़ता है। मतलब जैसे अगर अपन पुलिस से बचने की कोशिश करेंगे तो हड़बड़ाहट में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए अगर, या फिर हम कहीं जा रहे हैं शॉर्टकट लेने की कोशिश करें कहीं अपन रास्ता में भूल जाए, ऐसे शॉर्टकट कई बार भारी भी पड़ जाते हैं, मतलब उनमें खतरा ज्यादा रहता है, रिस्की है शॉर्टकट। ओके, एग्जाम में अगर चीज पकड़ी जाए तो भारी पड़ जाता है शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट के ड्रॉबैक। और कहाँ कहाँ शॉर्टकट नहीं काम करता है, आगे आइए। मैम, एक्चुअली बालों में शॉर्टकट काम नहीं करता है। कौन कौन लड़की बिलीव करती है भाई कि बालों के बढ़ने में नो शॉर्टकट? मैम, जितने भी शैम्पू, जितने भी एड्स होते हैं सब पे बाबा रामदेव के उस आसन से भी शॉर्ट बाल नहीं बढ़ता जल्दी से, कम से कम 2-3-6 महीने तो चाहिए। ये एक हमें ब्यूटी टिप भी मिल गया यहाँ से। हम शॉर्टकट कहीं भी निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है शॉर्टकट हमेशा फेल हो, हमेशा सक्सेस हो, वो हमेशा, क्योंकि लाइफ है वो रिस्की है। हाँ जी, तो शॉर्टकट लेना जरूरी है। कई बार होता है लॉन्ग टाइम भी याद आता है, पर शॉर्टकट हमेशा चलता रहता है, लाइफ में शॉर्टकट कभी नहीं होता। और कोई ये कहता है कि मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता तो वो गलत कर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ। ओके, एग्जाम्स में अगर वर्ड्स को शॉर्ट से लिखते हैं तो मैडम नंबर नहीं देती, वहाँ पर पूरे पूरे लिखना पड़ता है क्वेश्चंस के आंसर। ओके, यानी एग्जाम में वो एब्रिविएशन नहीं चलते हैं, यू को यू नहीं वाई ओ यू लिखना पड़ता है। फेयर इनफ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक बार मेरे को गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था टोंक फाटक। अच्छा, तो मैं नया नया आया हुआ था, मेरे को रास्ते का इतना कोई मालूम नहीं था कि किधर से क्या जाना है। हाँ जी, मैंने सोचा बाइक स्टार्ट की, मैंने सोचा शॉर्टकट निकल लेंगे इधर से, मालूम चला मैं वैशाली नगर पहुंच गया। उधर वो वेट करती रही, फिर लड़ाई हो गई। अच्छा, ये बड़ी दुख भरी कहानी थी भाई, इसलिए शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहिए। शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत दर्दीला शॉर्टकट था। शॉर्टकट मेरा पॉसिबल ही नहीं है कुछ, कहीं मेरा फ्रेंड है, वो ही मेरा फ्रेंड है, सपोज करो। हाँ जी, वो कहीं एक्सीडेंट होके पड़ा है, उसने मेरे को फोन किया, मैं लॉन्ग रिस्ते से जाऊंगा तो वो मर जाएगा, शॉर्टकट जाऊंगा तभी तो बचा पाऊंगा, तो शॉर्टकट वहाँ जरूरी है। तो भाई, डिबेट के लिए तैयार हो गई है मेरी दो टीम, लॉन्ग कट वर्सेस शॉर्ट कट, आर वी रेडी? तो भाई, पहली टीम है ये जो प्रोटेस्ट कर रही है, किसको? लॉन्ग कट। लॉन्ग कट शॉर्टकट। तादाद कुछ ज्यादा नहीं लग रही इधर? देखते हैं लड़कियों, दम है ना? चलो ठीक है, क्यों चाहिए लाइफ में शॉर्टकट? क्या जरूरी हर कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करे? जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे हमें किसी के लिए लव एक्सप्रेस करना है, किसी के लिए लव एक्सप्रेस करना है तो हम उसके लिए गाना गाएंगे ना, हम उसे शॉर्टकट में तो नहीं गा सकते ना। फ्लैटिंग तो शॉर्टकट नहीं होती है, इशारों में पहले बात होती है, वो शॉर्टकट ही होता है। हम लोग जस्ट फ्लैटिंग लव नहीं होता, देन उसके बाद में लव होता है, पहले फ्लैटिंग होता है। डायरेक्ट आप जाके किसी को प्रपोज नहीं कर सकते हो, मेरे को आज आप पसंद हो मैं आके प्रपोज कैसे करूं, पहले मुझे फ्लैटिंग करनी। हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि रिस्क हमेशा जिंदगी में रहना चाहिए, शॉर्टकट में रिस्क होता है, हमें रिस्क लेना पसंद है।
पढ़ाई में आप सीधे 7th क्लास से MBA में तो नहीं जा सकते, पढ़ाई तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, लॉन्ग कट है, लंबा सीजन है, पूरा का पूरा तो करना तो पड़ेगा ही ना। ये जो लॉन्ग कट ग्रुप है ये झूठ बोल रहा है, बताऊं कैसे? कैसे? अभी बोलेंगे क्लास में चले जाओ, क्लास में चले जाओ, तो ये लोग यहाँ से होके नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे सीधे ऐसे। वॉशिंग मशीन कपड़े देने के लिए शॉर्टकट, ओवन बनाया खाना गर्म करने के लिए शॉर्टकट, सब तो यूज करते, फिर कहाँ लॉन्ग कट में जा रहे हो? अभी एक चीज तो क्लियर हो गई है कि लड़के शॉर्टकट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लड़कियाँ कम। अरे ये कंफ्यूज है, ये तो बेचारी सोच रही थी लड़कियाँ इधर जा रही है, अपने भी चलो, इनको क्या पता है, कंफ्यूज है बेहद। लॉन्ग कट वालों से कि आज ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो भी एक शॉर्टकट है, अगर किसी को बात करनी है डायरेक्ट उसके पास जाके करो। आप मोबाइल क्यों यूज कर रहे हो आप लोग? वो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट ही है। मैं ये बोल रहा था कि वो शॉर्टकट नहीं है, वो फैसिलिटी अपने लिए। तो शॉर्टकट कैसे कह सकते हो उस चीज को? अपने पास अपने जब टेक्नोलॉजी इतनी चल रही है तो वो शॉर्टकट थोड़ी को, वो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी मैम। शॉर्टकट तो जब आप टॉयलेट में बैठे हो और ब्रश भी साथ में कर लो, वो है शॉर्टकट। करते हो क्या कोई शॉर्टकट? हर जगह यूज होता है बेसिकली, अपन टाइम की बचत करने के लिए, जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और ऊपर का स्ट्रक्चर नीचे का स्ट्रक्चर सेम है तो बीच का स्ट्रक्चर चेंज करो, प्रोग्रामिंग होगी, ये हो गया शॉर्टकट। ये टेक्निकल शॉर्टकट था। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैम अगर खाना खाते हैं हम लोग तो कच्चा क्यों नहीं खा लेते? शॉर्टकट में राइस हो गया, कच्चा क्यों नहीं खा लेते? सोना है भाई, खाना कच्चा क्यों नहीं खाते हो? शॉर्टकट के लिए पका के क्यों खाते हो? एक क्वेश्चन मेरा भी, कि आप कंप्यूटर में कीबोर्ड में शॉर्टकट यूज क्यों करते हो? आप फिर लॉन्ग कट करो हर चीज में। ऐसे तो हम लोग अर्ली एज में पहुंच जाएंगे ना, अगर ये सब चीजें यूज नहीं करेंगे, मोबाइल कंप्यूटर एंड ऑल तो यूज करना जरूरी है। मैम लॉन्ग कट ही लेना है तो पहले मैम संदेश वो तोता वो आता था ना, उसके गले में तार बांध के बेचते थे, अब मोबाइल यूज करो क्यों? ये जो डिबेट है वो एंडलेस होती जा रही है, क्योंकि शॉर्टकट और लॉन्ग कट की बहस खत्म नहीं होगी। मेरे को जरूरत है एक छोटे से ब्रेक की, देखते रहिए यूथ। और आपको याद दिला दें, जी मरुधरा आपके लिए लेकर आया देखो और जीतो कॉन्टेस्ट। यहां आप खबरें देखते हो हर घंटे जीत सकते हैं 1000 रूपये का इनाम और 5000 रूपये का कैश। आपको करना बस इतना सा है कि जी मरुधरा पर खबरें देखते रहिए और हर घंटे पूछे जाने वाले एक आसान से सवाल का जवाब दें। हमारा इस घंटे का सवाल है, जी मरुधरा पर इस घंटे जॉय स्किन फ्रूट फेस वॉश का विज्ञापन कितनी बार आया? जवाब के ऑप्शन भी आप सुन लीजिए, पहला है 4 बार, दूसरा है 7 बार और तीसरा है 1 बार। सवाल का जवाब देना एकदम आसान है, आपको करना बस इतना सा है कि BSNL के मोबाइल नंबर से 1255575 यानी कि 1255575 डायल करना है और अपना ऑप्शन 1, 2 या 3 दबाना है। अगर आपके पास BSNL के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो अपने मैसेज के ऑप्शन में जाकर टाइप करें डीजे, इसके बाद स्पेस देकर अपने जवाब का ऑप्शन ABC टाइप करें और भेज दें 57575 पर यानी कि 575575 पर। इसके साथ ही आपका जवाब हम तक पहुंच जाएगा और अगले घंटे के सवाल के साथ हम बताएंगे इस घंटे की 2 विजेताओं के नाम। और अब बारी है पिछले घंटे के सही जवाब और उसके विजेताओं का नाम बताने की। पिछले घंटे हमने आपसे पूछा था कि सी मरुधरा पर दोपहर 3:30 बजे कौन सा प्रोग्राम आता है, इसका सही जवाब है इट्स माय स्कूल यानी कि ऑप्शन 2। हमें मिले सही जवाबों में से इस घंटे के 1000 रूपये के इनाम के लकी विजेता हैं जयपुर से मंजू राजपूत और भवानी मंडी से जसवंत सिंह, इन्हें मिल रहे हैं जो स्किन कॉस्मेटिक की तरफ से 1000 रूपये के इनाम। तो जी मरुधरा पर देखते रहिए खबरें और हर घंटे जीतते रहिए 1000 रूपये। बात सिर्फ खबर की नहीं, ये बात है तजुर्बे की, 1.5 दशक का सफर, हर खबर पर नजर, खबरों की इस भीड़ में एक होती है बड़ी खबर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ जी मरुधरा पर। पैसिफिक यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी एट उदयपुर फॉर ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी ऑफर्स MBA, BTech, MCA, BPharma एंड होटल मैनेजमेंट कोर्सेज विद सेमेस्टर्स अब्रॉड, फॉरेन टूर एंड समर ट्रेनिंग अब्रॉड। पैसिफिक यूनिवर्सिटी। हिंग डाली या खा? तू कौन सी हिंग डाली मांझी? ऐसी हिंग
जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज, ये हुई ना बात। चेहरे को फ्रूट वॉश विद जॉय स्किन फ्रूट्स। इसके नेचुरल फ्रूट एएचएस डीप क्लीन करे कोमलता से और आपको दे हेल्दी सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन। सिर्फ फेस वॉश नहीं, ये है फ्रूट वॉश। ट्रैक्टर कैसे फंसता है? हाँ। जब वो फंसता है तो उसकी आवाज कैसी आती है? उनके गियर बॉक्स अटक जाते हैं। हाँ जी। तो उनकी आवाज कैसी आती है? ओह वाह! मैं तेनु समझावा की ना तेरे जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, ये था हमारा आज का यू
दूधहड्डा बैक्स कैंपस में जहां बच्चों ने फुल ऑन मस्ती की। कल से शुरू करेंगे नई मस्ती का सफर दूसरे कैंपस में। कैमरामैन देव के साथ मैं हूं स्नेहा, देखते रहिए क्या यूथ। तो आज के यूथ अड्डा